पहली वाइफ से एक बेटा और दूसरी वाइफ और उनके 5 बेटों के साथ। जब वो पहले मर गई तो 50% उनको क्यों मिलेगा? सर स्टेट का, अरे स्टेट का छोड़िए, तो आपके पक्ष में हम बोल रहे हैं तो आप काउंटर बोल रहे हैं, दिक्कत है मिस्टर पासवान। इक्वल डिवाइड होगा, वेदर दे कम फ्रॉम द सेम मदर और डिफरेंट मदर, इट विल नॉट मैटर, दे आर द चिल्ड्रन ऑफ वन फादर। एडी का होता है वो सुनवाई चलते रहेगा, DCLR या जिसके यहाँ भी करते रहिएगा, हम जो सुनवाई कर रहे हैं उसमें आइए ना। हाँ जी, हम फर्दर प्रोसीडिंग को स्टे करते हैं, या तो आप लोग दोनों मिलके ज्वाइंट पिटीशन यहाँ फाइल कीजिए कि 6 को इक्वल मिलेगा, हम दिलवा देते हैं, और नहीं लड़िएगा तो पार्टीशन सूट में भेज देंगे, किसी को कुछ नहीं मिलेगा। क्या हुआ आप? और नोटिस हमको मिला हुजूर, हमको पेमेंट नहीं हुआ, मतलब कि मेरे फादर 2 शादी किए थे, फर्स्ट वाइफ से 1 सन है और सेकंड वाइफ से 5 सन है, लैंड एक्विजिशन। लारा में चले जाइए, इसमें तो चूंकि हाईवे का मामला है इनको तो कमीशन क्या जाना चाहिए। इसमें हुजूर पेमेंट जो है 2 भाग पार्ट में बट दिया, फर्स्ट पार्ट आधा जो है फर्स्ट बताते हैं, सेकेंड जो है आधा जो है स्टेप मदर के नाम से हुआ। ड्यूरिंग द पेंडेंसी ऑफ द प्रेजेंट डीड एप्लीकेशन लॉर्ड्स डिस्ट्रिक्ट लैंड एक्विजिशन ऑफिसर इशू नोटिस टू ऑल द कंसर्न पार्टीज एंड आफ्टर हियरिंग द पार्टीज द नोटिस में द अकाउंट्स ऑफ द ऑल कंसर्न पार्टी हैव बीन रेज्ड विद अस, सो दैट मींस डायरेक्शन में भी गिवन। क्लेम इनका ये है कि फादर डेथ किए, पहली वाइफ से 1 बेटा और दूसरी वाइफ और उनके 5 बेटों के साथ, जब दूसरी शादी पहले के मरने के बाद हुआ, मरने के बाद हुआ जी, तो पहली वाइफ से कितने बच्चे? 1 1 और दूसरी से 5 तो टोटल 6 हो गए, 6 हो गए। अभी जो पेमेंट हुआ है फर्स्ट वाइफ का 50% और सेकेंड वाइफ को 50%, यही डायरेक्शन हुआ है। इनका कहना है कि वो 6 भाग में बढ़ना चाहिए। जब वो पहले मर गई तो 50% उनको क्यों मिलेगा? ये किसने बंटवारा किया? लैंड एक्विजिशन ऑफिस, तो कॉम्पिटेंट अथॉरिटी ने ये आदेश किया है, तो इसके खिलाफ तो इनके पास कॉम्पिटेंट अथॉरिटी ने ये आदेश कैसे किया? मरी हुई वाइफ को 50% क्यों दे दिया? मरी हुई वाइफ को नहीं दिया, मरी हुई वाइफ का जो लीगल एयर ब्रांच है जी, ऐसा कहाँ है? तो फर्स्ट वाइफ से तो जो 1 शेयर हो गया, सेकंड वाइफ का दूसरा शेयर हो गया, तो ये है 50, ये है सेकंड वाइफ वाले, सेकंड वाइफ वाले, आप है फर्स्ट वाइफ वाले जी, तो आप हिंदू लॉ में कैसे बांटेंगे इसको? तो हम तो हुजूर चूंकि फर्स्ट वाइफ और सेकंड वाइफ दो वाइफ है, तो उसे बटेगा हुजूर, यही तो कानून है। एक हमको भी देखना होगा, अब हम हिंदू लॉ तो कहाँ कर रहे हैं, आप कैलकुलेट करके बताइए। इक्वल शेयर है, इक्वल शेयर होगा तो आप बोलिए क्या, पत्नी कितनो उसका बच्चा जो भी हो तो उसका इक्वल शेयर ना, वही तो हम कह रहे हैं। तो ये DCLR कहां से ये कहानी बना दिए? वही तो है, इसमें हम कहां इनको आर्बिट्रेशन में भेजे, फिर जो कमिश्नर होगा वो भी यही कहानी बताएगा। अब हुजूर एक चीज और देख लिया, नहीं नहीं आप हिंदू लॉ पढ़कर आइए बजरंगी बाबू, वो तो ठीक है हुजूर, एक चीज और हम जो काउंटर स्टेट का, अरे स्टेट का छोड़िए, तो आपके पक्ष में हम बोल रहे हैं तो आप काउंटर बोल रहे हैं, दिक्कत है मिस्टर पासवान। एक हुजूर इसके बाद चित्रंजन बाबू बोलिए कितना में बटेगा, रुकिए कैसे बटेगा, बटना चाहिए हुजूर, जो जितने बच्चे हुए 1 बच्चे इनके हैं 5 उनके, इक्वल होगा, बस काम खत्म जी। तो अब क्या सब्जेक्ट कर, नहीं नहीं हम कोच हिंदू लॉ में को पार्टनरी प्रॉपर्टी इक्वल डिवाइड होगा, वेदर दे कम फ्रॉम द सेम मदर और डिफरेंट मदर, इट विल नॉट मैटर, दे आर द चिल्ड्रन ऑफ वन फादर। एडी का होता है हुजूर तो सेक्शन 15 हिंदू सक्सेशन एक्ट के हिसाब से उनके अपने बेटा को, हाँ अदरवाइज फादर का है। अब हुजूर स्थिति ये है अभी वर्तमान का कि जब ऑब्जेक्शन ही फिर दोबारा किए, फिर सुनवाई वहाँ चल रहा है, वो सुनवाई चलते रहेगा DCLR या जिसके यहाँ भी करते रहिएगा, हम जो सुनवाई कर रहे हैं उसमें आइए ना। हाँ जी, हम फर्दर प्रोसीडिंग को स्टे करते हैं, या तो आप लोग दोनों मिलकर ज्वाइंट पिटीशन यहाँ फाइल कीजिए कि 6 को इक्वल मिलेगा, हम दिलवा देते हैं, और नहीं लड़िएगा तो पार्टीशन सूट में भेज देंगे, किसी को कुछ नहीं मिलेगा।
नहीं डिसबर्स हो गया, ये भी अपना अमाउंट ले चुके हैं। कितना? ये आधा वाला हिस्सा ही ले चुके हैं। हाँ, आधा वाला हिस्सा हमको भी मिल चुका है। फिर दिक्कत क्या है? हमको उसके बाद ये डिस्प्यूट शुरू किया गया। इनको मिला ही नहीं, कह रहे हैं तो एकदम गलत बोल रहे हैं। एक्चुअली में हुआ है क्या हुजूर, आधा जो मदर को मिला ना काउंटर में हम लोग लगाए, मदर जो है अपने हिसाब से किसी को 2 लाख, किसी को 3 लाख, किसी को जो है मदर के शेयर में जो है वो पैसा मिला है। इक्वल शेयर हमको नहीं मिला है, इक्वल शेयर नहीं मिला है। जो 50-50% अपॉर्शनमेंट करके जो डिसाइड हुआ वो 50% ये लोग ले चुके हैं, इनकी मदर ले ली। मदर 50% तो हम हमको मिल गया। फैक्ट है कि 50% मदर को मिला। मदर जो है इधर पांचों पुत्र में जो है पांचों में चला गया ना 50%। कितना अवार्ड अमाउंट है? लगभग 58 लाख। अगर 58 को इक्वली डिवाइड कीजिएगा 600 तो कितना होगा? हम वहां भी नहीं जा रहे। अरे जाइए ना, हम वहीं आ रहे हैं। 9 लाख। तो अभी तो स्थिति ये हुआ है हुजूर कि मदर के नाम से बना और एक बेटा के नाम से बना, लोगों को उसमें नहीं किया गया जो एपोर्समेंट हुआ। ये जो 5 है और 9 × 5 = 45 इनको जाएगा। मदर भी है, इनकी मदर भी है। अरे भाई 7 शेयर में लगेगा हुजूर। आप जो है शेयर करिए, आपको इतना नहीं मिलेगा जी। तो आप कैलकुलेट करके आइए, आप लोग दीजिए, नहीं तो हम सबको रोक दे, आपका पैसा भी हम वसूल लेंगे वापस। वो तो हुजूर का आदेश होगा, तो उसमें तो कुछ बैंक अकाउंट में है अभी कि नहीं? अब तो ये तो अब देखना पड़ेगा क्या है। वो तो आता है, वो खर्च होता है कि तो थोड़े रुकता है कोई, लेकिन वस्तु स्थिति ये जो कह रहे हैं कि नहीं मिला है, खर्च हो गया सब पैसा। कौन कह रहा है? अरे वो तो बुद्धिमान आदमी तुरंत निकाल लेता है, जहां भी अपने शेयर से एक्स्ट्रा मिलेगा वो अकाउंट से निकाल लेगा। लौटाना इनकी मदर उस सारा 50% अमाउंट एक्सेप्ट। आप पासवान जी कैसे डिस्ट्रीब्यूट होगा एक एफिडेविट पर दीजिए मंडे को। ठीक है, हम वही ऑर्डर करेंगे। ठीक है, आप भी दीजिए। बजरंगी बाबू ये गलत नहीं होगा, कोर्ट में आ गए तब तो इक्वल जो डिस्ट्रीब्यूशन है उस पर लॉ होगा। अब तो उसके बाद जो 3 वो बहन लोग भी है उसको तो कहीं रिकॉर्ड आप ले आइए, आप ले आइए। तो अभी भी बात है, उसको भी रिकॉर्ड पर ले आते हैं, उसको भी शेयर दे दिया जाए, दे देते हैं, क्या दिक्कत है? कम हो जाएगा और अपने कम। अरे आपको तो कम हो ही करेगा। वंशावली में हुजूर बेटी को छाड़ दिया जाता है। इसको एक हफ्ता के बाद रखा है। एक हफ्ता का मंडे।